तो नमस्कार, आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो अभी देखिए समय के 1 बजने वाले हैं दोपहर के, और थोड़ा भूख भी लग गया है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा भूख लग गया है, क्योंकि सुबह के खाए हुए थे तो भूख लाजमी है कि लगेगा ही। तो हम किचन में यहाँ पर हैं, और ये किचन में देखिए देखिए डेक्ची में ये चावल है। चावल तो काफ़ी मात्रा में है, लेकिन इसके साथ खाने के लिए हमको कुछ व्यवस्था नहीं दिख रहा है। देखिए ये चटनी था तिली का, तो तिली का चटनी ख़त्म हो चुका था, और दाल भी नहीं है। तो अब खाली चावल खाना थोड़ा संभव नहीं है, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मेरे पास देखिए भंटा है, तो सोच रहे हैं कि भंटा को आग में पकाया जाए, और पकाने के बाद इसका चोखा जो बनेगा उसी चोखे से भात को खाएंगे। तो चलते हैं, चोखा बनाने की तैयारी करते हैं। बहुत बड़ा भंटा है, देखिए इतना में लगभग 2 लोगों का खाना हो जाएगा, लेकिन हम आज अकेले ही खाएंगे। तो देखिए आग पूरी तरह से जल रहा है। अब जब ये आग अच्छा से जल जाएगा तो हम अपना ये जो बैंगन है, भंटा है, उसको आग में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लहसुन है, लहसुन को ले लेते हैं। देखिए लहसुन, इस लहसुन को चोखा में डालेंगे, यह काफ़ी है। हम भी खाएंगे, परिवार भी खाएंगे। तो देखिए चोखा तैयार हो चुका है, और हम खाना पर बैठ चुके हैं। ये देखिए चोखा है, अब खाते हैं, इसके बाद मिलते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद।